हेलो नमस्ते नमस्कार चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो अच्छी फिल्में किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में बने, चाहे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर हॉलीवुड, कोई भी इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जब वो फिल्म बनाए तो उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर जाए। और जब एक ऐसी कहानी आपको मिल रही है जो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, सुपरहिट हो चुकी है, तो उसको उठाना, उसको अडॉप्ट करना और उसको अपने लैंग्वेज में रीमेक करना थोड़ा आसान काम हो जाता है। आपको कोई चीज की मेहनत नहीं करनी है, सारा चीज आपके पास है, आपको बस थोड़ा सा स्क्रीन प्ले पे काम करना पड़ता है, बाकी सारा कुछ आप जो कहते हो उठा के और छाप देते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले ही फिल्में लेके छापते हैं, जब हिंदी फिल्म में भी कोई अच्छी फिल्म बनती है तो और इंडस्ट्री वाले छापते हैं, लेकिन छापने के मामले में सबसे नंबर वन अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है बॉलीवुड। जी हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज भी नंबर वन है किसी भी इंडस्ट्री से फिल्म लेके, सक्सेसफुल फिल्म लेके और उसका रीमेक करने में। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी कि ना मैं उतना कर पाऊंगा ना आप उतना सुन पाओगे। तो अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई, जब आपने ये फिल्म विजय सेतुपति सर की फिल्म महाराजा देखी होगी, कुछ टाइम पहले फिल्म रिलीज हुई, बाद में नेटफ्लिक्स पे आई और जैसे ही आई इसने तहलका समचा दिया। सारे लोगों ने ये फिल्म देखा, हिंदी डब वर्जन इसका देखा नेटफ्लिक्स पे, और जैसे ही बॉलीवुड वालों की नजर पड़ी कि भैया एक ऐसी फिल्म आई है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जो कि इतनी सक्सेसफुल हो रही है, ऑडियंस को इतनी पसंद आ रही है, तो वहीं पे फिर से रीमेक का कीड़ा निकल के आता। और इस बार कीड़ा किसके पिछवाड़े से निकलता है पता है? आमिर खान। जी हाँ, जिनकी लाल सिंह चड्ढा की चड्डी लास्ट टाइम फट चुकी थी। वो जमाना अलग था, जब आपने गजनी का रीमेक बनाया था उस टाइम इंटरनेट नहीं था, उस टाइम लोगों की पहुंच नहीं थी उतनी, जो सीडी डीवीडी से फिल्में देखते थे बस वहीं तक सीमित थी लोगों की नॉलेज। लेकिन अभी कोई भी इंडस्ट्री में आती है तो लोग ये भी नहीं देखते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज की, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कौन सी है। अगर इंग्लिश सबटाइटल्स उनको देखने को मिल रहा है वो फिल्म देख डालते हैं। तो आपकी सक्सेसफुल हो गई गजनी फिल्म हो गई, तो ऐसा आपको अगर लग रहा है कि हर फिल्म आप रीमेक बनाओगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हो। तो महाराजा की बात मैं कर रहा था कि महाराजा के रीमेक राइट्स जो है आमिर खान ने खरीद लिया है। जी हाँ, आमिर खान अब बनाने वाले हैं महाराजा का रीमेक हिंदी में। और ये जो न्यूज मैंने जब सुनी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आपकी लास्ट फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिटी है बॉक्स ऑफिस पे कि पानी भी नहीं मांग पाई, लेकिन आप में कुछ सुधार नहीं हो रहा है, आप अभी भी उसी रास्ते पे चल रहे हो, ओरिजिनल स्टोरी पे काम नहीं कर रहे हो, राइटर्स पे पैसे खर्च करना नहीं चाहते हो, पकी पकाई आपको जो स्टोरी मिल रही है आप बस उसी पे यकीन कर रहे हो कि भैया यही उठाएंगे और छाप के बस पैसे बना लेंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं कि फिल्म देखने वाली अगर 100 ऑडियंस है ना, उसमें 90% लोगों ने फिल्म महाराजा देख ली है और उनको पसंद भी आई है। और जिस तरीके से एक्टिंग विजय सेतुपति सर ने की है, आप भले ही एक्टिंग में नो डाउट आमिर खान काफी अच्छे हैं, लेकिन क्यों देखने जाए कोई ऑडियंस एक देखी दिखाई फिल्म को? अगर आपको रीमेक के राइट्स खरीदने ही थे, आप जैसे ही तमिल में फिल्म बनी आप वहीं पे ब्लॉक कर देते, वहीं पे सीमित रहने देते, नेटफ्लिक्स पे उसको हिंदी वर्जन नहीं आने देते तो हिंदी ऑडियंस नहीं देखती, तो एटलीस्ट आपका मार्केट खुला रहता। लेकिन नहीं, आपने देर कर दी, नेटफ्लिक्स के ऑडियंस ने देख ली, हिंदी ऑडियंस ने देख ली फिल्म और भी बाकी लैंग्वेज में फिल्म देखी गई है, तो आपका हिंदी में रीमेक बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक और फिल्म का मेरे दिमाग में आया जब इस फिल्म के बारे में सोच रहा था कि ऐसा नहीं है कि हर सक्सेसफुल फिल्म का रीमेक बन ही जाए, नहीं बन पाता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में सक्सेसफुल हुई जिनका रीमेक नहीं बना, क्योंकि उसका रीमेक बनाने का आपके पास वो लेवल ही नहीं है, वो फिल्म ऑलरेडी इतने लेवल को क्रॉस कर चुकी है कि आप कितना भी एफर्ट्स लगा लो उसके नीचे ही रहोगे। जी, मैं बात कर रहा हूं फिल्म ऋषभ शेट्टी सर की कांतारा, वो अलग लेवल की फिल्म है। और इस पे ऋषभ शेट्टी सर ने बोला भी था कि मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेरी फिल्म कांतारा का रीमेक बनाए, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। और बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूं, और वो फिल्म को आए हुए आज 2-3 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस फिल्म पे हाथ डाले। और मैं फिल्म के मेकर्स की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने राइट्स बेचे भी नहीं है किसी को, वरना खरीदने के लिए ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं हुआ होगा, लेकिन
लेकिन फिल्म के मेकर्स को मैं तारीफ करूंगा उनकी कि उन्होंने इसके राइट्स नहीं बेचे हैं। अभी कांतारा का प्रीक्वल जो है वो प्रोग्रेस में है, बहुत जल्द हमें फिल्म वो देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि रीमेक कोई भी सक्सेसफुल फिल्म का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या उसको अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में ही रहने देना चाहिए चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।